फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। इस साल सरसों की फसल अच्छी होने की संभावना से उत्साहित तेल कारोबारियों का मानना है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध का असर घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों पर दिखेगा। हालांकि तेल कारोबारियों ने सरकार से मांग भी की है कि तेल की कीमतों में तेजी पर लगाम लगाने के लिए सोया तेल निकालने वाले संयंत्र पूरी क्षमता से काम करें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की कीमतों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और इनकी कीमत में $200 की तेजी भी देखी गई है। कारोबारियों का मानना है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से यूक्रेन से सूरजमुखी तेल का आयात तो प्रभावित हुआ है, लेकिन घरेलू बाजार में इसकी कमी अपेक्षाकृत कम ही दिखेगी। भारत यूक्रेन के अलावा रूस से भी सूरजमुखी तेल का आयात करता है। भारत में 60,000 से 75,000 टन के बीच सूरजमुखी बीज का उत्पादन होता है, लेकिन फिर भी यूक्रेन से आयातित सूरजमुखी बीज की कम कीमत के कारण वहां से भारी मात्रा में इसका आयात किया जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक घरेलू बाजार में सूरजमुखी तेल की खुदरा कीमत 2 मार्च को 159.07 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जबकि 1 मार्च को इसकी कीमत 158.06 रुपए। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड के अध्यक्ष ने कहा है कि यूक्रेन से भले ही खाद्य तेल की खेप नहीं आ रही है, लेकिन शुक्र है कि भारत में 40 से 45 दिन का तेल का भंडार है। उन्होंने कहा है कि इस साल देश में सरसों की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है और यह बाजार में खाद्य तेल की कमी को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। वास्तव में 15 मार्च के बाद हर महीने 3 से 4 लाख टन सरसों तेल उपलब्ध रहेगा। कारोबारी संगठन ने साथ ही यह भी कहा कि तेल की कमी को पूरा करने के लिए सोया की पेराई करने वाले संयंत्रों का पूरी क्षमता से काम करना जरूरी है। सरकार को इसके लिए सोया निर्यात में कुछ प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि संयंत्र पूरी क्षमता के साथ काम कर सके। केंद्र सरकार ने पिछले 3 फरवरी को खाद्य तेलों की भंडार सीमा अवधि 30 जून तक बढ़ाने के संबंध में अधिसूचना जारी की थी। खुदरा व्यापारियों के लिए भंडारण सीमा 30 क्विंटल, थोक व्यापारियों के लिए 500, बड़े रिटेलरों की दुकानों की श्रृंखला के लिए 30 और उनके डिपो के लिए 1000 क्विंटल तय की है। तिलहनों के संबंध में खुदरा व्यापारियों की भंडारण सीमा 100 क्विंटल, थोक व्यापारियों के लिए 2000 क्विंटल है। तिलहनों का प्रसंस्करण करने वालों के लिए उत्पादित खाद्य तेल का भंडारण 90 दिनों तक किया जा सकता है, जो प्रतिदिन के हिसाब से उत्पादन क्षमता पर निर्भर करेगा। निर्यातकों और आयातकों को कुछ शर्तों के साथ इस आदेश के दायरे से बाहर रखा गया है। उल्लेखनीय है कि भारत हर महीने करीब 2 लाख टन सूरजमुखी तेल का आयात करता है और कभी कभी यह आंकड़ा 3 लाख टन तक भी पहुंच जाता है। भारत अपनी जरूरत का करीब 60% खाद्य तेल आयात करता है और वैश्विक पटल पर किसी भी हलचल का प्रभाव इस पर पड़ता है। भारत में आयातित सूरजमुखी तेल का 70% हिस्सा यूक्रेन का, 20% रूस का और 10% अर्जेंटीना का होता है। यूक्रेन करीब 170 लाख टन, रूस करीब 155, अर्जेंटीना करीब 35 लाख टन सूरजमुखी के बीज का उत्पादन करता है। पेराई के दौरान इन बीजों के वजन का करीब 42% तेल निकलता है। वी रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी।